मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी। क्या सच में तुम मेरी रक्षा करोगे? बचपन कितना हसीन था ना। पूरे घर में सबसे ज्यादा दो ही लोगों की आवाज आती थी, एक तो वो जिसके लिए मुझे रक्षाबंधन का इंतजार रहता है और एक मैं खुद। अम्मा और पिताजी अक्सर मुझे समझाया करते थे कि वो छोटा है तुमसे, उससे लड़ाई मत किया करो। और मैं हमेशा कहती थी कि आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं उससे बड़ी हूँ, इसलिए मैं ही हमेशा लड़ती हूँ। अभी आप लोगों को पता नहीं है, वो उम्र में छोटा जरूर है लेकिन असल में हम सब का बाप है। और इतना सुनकर अम्मा और पिताजी अक्सर मुस्कुरा दिया करते थे। हमारा परिवार बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत खुश भी थे। पापा की अच्छी नौकरी थी तो कभी कभी कोई बड़ी चीज अगर हमें चाहिए तो ही शायद कोई परेशानी आती थी, वरना तो जिंदगी अच्छी चल रही थी। मैं 12th क्लास में थी और मेरा भाई सत्या वो भी 10th क्लास में था। हम दोनों एक ही स्कूल में थे, एक साथ एक ही बस में हम लोग स्कूल जाया करते थे। लेकिन बस में बैठते ही सत्या मानो ऐसा दिखाने की कोशिश करता था जैसे कि वो मुझे जानता ही नहीं है। अब वो बड़ा हो गया है ना, तो उसके भी अपने दोस्त हैं, उसकी कुछ अलग तरह की बातें हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा करती थी। मेरी दोस्त आरोही मुझे अक्सर कहा करती थी, शिवांगी तुम सत्या पर थोड़ा ध्यान दो, वो जिन लोगों के साथ रहता है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं हमेशा हंसकर उससे बस इतना कहती थी कि आरोही तुम चिंता मत करो, हमारे अम्मा और पिताजी ने हमें जो परवरिश दी है ना, उसमें कभी गलत से गलत सीखना शामिल है ही नहीं। सत्या भी इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे अम्मा और पिताजी का सिर झुक जाए। बस यूं ही चलता रहा। एक दिन मैं और सत्या स्कूल के लिए निकले और हम लोग काफी लेट हो गए थे। हमारी बस घर से थोड़ा दूर चलने के बाद में हमें मिला करती थी, तो हम दोनों जल्दी जल्दी चल रहे थे। लेकिन सत्या बीच बीच में रुक रहा था और मैंने उससे चिल्लाते हुए कहा कि सत्या तुम थोड़ा जल्दी करो। लेकिन उस दिन उसका व्यवहार कुछ बदला सा था। मैं जानती हूँ मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा और ना ही गलत होने देगा। लेकिन आज के हालात देखकर लग रहा था जैसे कुछ तो गलत है। लेकिन हम दोनों स्कूल की जल्दबाजी में चलने लगे, तभी हमारे सामने से हमारी स्कूल बस निकल गई। हम दोनों चिल्लाते रहे लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुन पाया और हमारी बस निकल गई। तभी अचानक से सत्या के मुंह से आवाज आई, यस। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बस मिस हो जाने पर इतना खुश क्यों हो रहा है। और मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, सत्या तुमने जानबूझ कर ये सब कुछ किया ना, तुम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे ना, जिससे हमें बस ना मिल पाए और आज हमारी छुट्टी हो जाए। तभी सत्या ने अपनी नजरें झुका ली और सहम गया। फिर कहा, नहीं शिवांगी दी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार है तो हम दोनों की वैसे भी कल भी छुट्टी थी। बस फिर क्या था, हम दोनों घर वापस लौटने लगे। और जैसे ही हम घर पहुंचे, सत्या भागते हुए अपने कमरे में चला गया और कमरे में जाकर वो तुरंत नहाने चला गया। काफी देर तक बाथरूम का शावर चालू था और कुछ आवाज भी आ रही थी। मुझे सत्या की बहुत चिंता सता रही थी लेकिन मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और मैं बार बार गेट बजा रही थी। तभी सत्या ने अंदर से कहा, बस 2 मिनट दीदी। और 2 मिनट बाद सत्या बाहर आ गया। मैं बार बार सत्या से पूछ रही थी कि आखिर बात क्या है, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो, लेकिन वो बार बार मेरी बात को इग्नोर करता रहा। मैं उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी और वो ना जाने किस हड़बड़ी में इधर से उधर घूम रहा था। और ऐसे करते करते पूरा दिन निकल गया।
तभी अगली सुबह सब लोग रक्षाबंधन की तैयारी करने लगे। हम सब तैयार हुए और राखी बांधने का मुहूर्त हो गया। सत्या मेरे सामने आकर बैठा और अपनी नजरें झुकाए हुए वो बस बैठा रहा। तभी मैंने उसकी तरफ राखी बढ़ाई और कहा, भाई एक वादा करोगे मुझसे? सत्या ने अपनी नजरें उठाते हुए कहा, हाँ दीदी बोलो। मैंने कहा कि कभी तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा और पिताजी फोन पर शायद बुआ से बात कर रहे थे। इस बार बुआ राखी पर यहाँ आ नहीं पाई तो बस वो लोग आपस में बात करते हुए उदास हो रहे थे। और यहाँ मेरा भाई, इसकी आंखों से आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे और उसने मुझे जोर से गले लगा लिया और रोते हुए बोला, शिवांगी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो स्कूल में जो मेरा दोस्तों का ग्रुप है ना, उन लोगों ने मुझसे शर्त लगाई थी कि या तो मैं स्कूल में जो हमारी टीचर है ना, उनको लव लेटर देकर आऊं, या फिर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाए और मैं खुद आप दोनों को मिलवा दूं। लेकिन मैं शर्त हार गया और मैं बहुत डर गया था क्योंकि वो लड़का आपकी क्लास का ही है और वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो स्कूल में ना जाने कैसी कैसी चीजें लेकर आता है, लेकिन अगर मैं मना कर देता तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते, इसलिए मैंने भी शर्त के लिए हाँ कर दिया। दी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैंने सत्या को बड़े प्यार से देखा और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई तुम मेरे गुरूर हो, तुम्हें पिताजी की तरह एक अच्छा इंसान बनना है, हम दोनों को बहुत मेहनत करनी है, तुम ये बेकार के लोगों के साथ रहकर अपनी जिंदगी खराब मत करना, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। इतना कहते हुए शिवांगी ने सत्या के हाथों में राखी बांध दी। तो दोस्तों, जिंदगी में रिश्तों की एक अलग जगह होती है, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम आज के माहौल से क्या सीखते हैं। आज जैसा हम किसी और के साथ करेंगे, कल को वही हमारे साथ भी होगा। इसलिए किसी के साथ गलत करने से पहले ये ना भूलें कि हमारे घर में भी एक बहन है जो हमारे हाथों पर राखी बांधती है, लेकिन अगर हम उसकी रक्षा भी ना कर पाए तो भी आखिरी सांस तक वो हमारे साथ साए की तरह खड़ी रहती है। आप सभी एक साथ रहें, सुरक्षित रहें। हैप्पी रक्षाबंधन।